राजनामा दुनिया में आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। कई क्विज शो के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ बसु ने सलमान खान के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताई। सिद्धार्थ ने कहा कि सलमान को शो होस्ट करने के लिए किसी टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं होती, उन्हें स्क्रिप्ट याद रखना भी पसंद नहीं, वो लोगों से ऐसे ही कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो सफाई वाला हो, ऑटो ड्राइवर हो, पान वाला हो, घरेलू महिला या फिर कोई सेलिब्रिटीज, सलमान के साथ सबका जुड़ाव है। सिद्धार्थ ने कहा कि एक बार उन्होंने 10 का दम से जुड़े सभी मेंबर्स को आधी रात में खाना खिलाया था, वो काफ़ी दिलदार आदमी हैं। बता दें कि सिद्धार्थ बसु ने 10 का दम के शुरुआती 2 सीजन का प्रोडक्शन किया था। सिद्धार्थ बसु ने अपने करियर में कौन बनेगा करोड़पति, 10 का दम और इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शोज प्रोड्यूस किए हैं। उनके पास सलमान खान, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का अनुभव है। एक इंटरव्यू में सिद्धार्थ ने कहा, हम एक बार सलमान के भाई के घर मॉक रिहर्सल कर रहे थे। उन्होंने हमसे गेम खेलने के लिए कहा। रात होने पर शो के क्रू मेंबर्स घर लौटने लगे। उन्होंने सबसे पहले खाने के लिए पूछा। इसके बाद उन्होंने वहाँ मौजूद कैमरा असिस्टेंट से लेकर साउंड असिस्टेंट तक सभी लोगों को अपने घर खाने पर बुलाया। वो एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, फिर भी उन्होंने वहाँ सभी लोगों को बुलाकर खाना खिलाया। सिद्धार्थ से बतौर प्रोड्यूसर सलमान के साथ काम करने के एक्सपीरियंस पर सवाल किया गया। उन्होंने कहा, सलमान पहली बार शो होस्ट कर रहे थे, इसके बावजूद उन्होंने अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। उन्हें टेलीप्रॉम्प्टर पर बोलना पसंद नहीं, उन्हें चीज़ें याद रखना भी अच्छा नहीं लगता। ये उनका जादू है कि समाज के सभी वर्ग के लोग उनके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। सिद्धार्थ बसु ने आगे कहा, टेलीविज़न इंडस्ट्री ने सलमान को दिल से स्वीकार किया है। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने सालों तक टेलीविज़न पर टिके रहते हैं। सिद्धार्थ बसु यहाँ बिग बॉस के रेफरेंस से बात कर रहे थे। जाहिर है कि सलमान पिछले 13 साल से बिग बॉस होस्ट कर रहे हैं। अब तक इससे 16 सीजन आ चुके हैं। शो होस्ट करने के लिए सलमान को करोड़ों रुपए मिलते हैं। सिद्धार्थ ने आगे कहा, जब हमने 10 का दम किया तो सलमान का पब्लिक से इमेज बिल्कुल बदल गया। इससे पहले उनकी इमेज बैड बॉय वाली थी, लोग उन्हें दिल खोल कर चाहते हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।